अब एक नए तरह का फ्रॉड मार्केट में चल रहा है जिससे आपको बच के रहने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने के लिए आते हैं, और जब रेंट एग्रीमेंट करने की बात आती है तो उससे पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट, एडवांस रेंट सब कुछ देते हैं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट करने के बजाय, पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बजाय उसमें आनाकानी होती है और महीने दो महीने आपकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और उसके बाद आपको चाबी पकड़ा के कहते हैं कि जो पैसे हमने आपको दे दिए वो आप रख लीजिए, हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। कुछ महीने बाद पता लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने कई सारी फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पे फर्म ओपन की और उसके बाद उसमें साइबर क्राइम किए और उसके साथ में जो जीएसटी के फ्रॉड हैं वो भी उन्हीं फर्म्स के द्वारा किए गए। जब पुलिस मकान मालिक के पास आती है तो वो कहती है कि आप रेंट एग्रीमेंट दिखाइए, और रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से पुलिस कहती है कि मकान मालिक की मिली भगत के बिना इस तरह का फ्रॉड होना पॉसिबल नहीं है। अब जिनको फ्रॉड करना था वो तो फ्रॉड करके निकल गए, और जो परेशान होता है वो होता है मकान मालिक और वो प्रॉपर्टी डीलर जिसने इस तरह की प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़वाया होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो जब भी कोई किराएदार आपके पास आता है तो बिना रेंट एग्रीमेंट करवाए, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसको अपनी प्रॉपर्टी की चाबी बिल्कुल मत दीजिए, और जो भी रेंट एग्रीमेंट आपको करवाना है उसको नोटराइज रेंट एग्रीमेंट करवाने के बजाय आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करवाइए, ताकि सामने वाले के आधार कार्ड और उसके जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड पे रहें, और कल की तारीख में अगर कोई फ्रॉड हो भी जाता है तो एज ए मकान मालिक आपके ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तो पुलिस वाले इस सिचुएशन में आपके अगेंस्ट सेक्शन 188 IPC का केस भी रजिस्टर कर सकते हैं।